ओके वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो हमारा मैट्रिक्स चैप्टर है उसके ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसी के आगे जो आज हम पढ़ने वाले हैं कि जो हमारा ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स में जो एक पोर्शन होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स, आज हम लोग उसी पे बात करने वाले हैं। ठीक है, आज हम ये सीखेंगे कि हम लोग दो मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, उनकी एसेंशियल कंडीशंस क्या होती हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक जो कि हमारा है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स, तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उनकी कंडीशंस क्या होनी चाहिए। मान लो हमारे पास पहला मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर है एम क्रॉस एन और दूसरा मैट्रिक्स बी है जिसका ऑर्डर है पी क्रॉस क्यू, तो ऐसी कौन सी सिचुएशन होगी जो हमारे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को अलाउ करेगी। तो अगर जो हमें ए और बी को मल्टीप्लाई करना है तो पहली कंडीशन ये होती है कि ए का कॉलम और बी के नंबर ऑफ रोज आपस में इक्वल होने चाहिए। मीन्स अगर हम ए बी तभी फाइंड आउट कर सकते हैं जब हमारे पास क्या हो, एम एन इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, पी होना चाहिए। ए बी के निकलने के लिए या ए बी पॉसिबल तभी होगा जब क्या होगा, एन इज इक्वल टू पी होगा। ठीक है, अब इसके बाद चलिए मान लीजिए क्या हो गया, एन इज इक्वल टू पी तो हो गया, अब इसके बाद का प्रोसेस क्या होगा, तो चलो इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमने क्या किया है, ए इज इक्वल टू कोई मैट्रिक्स ले लिया 1 2 3 4 और बी इज इक्वल टू कोई मैट्रिक्स ले लिया हमने जो कि है 1 5, इस तरीके से कोई मैट्रिक्स है। ठीक है, तो सबसे पहले चेक करते हैं क्या ए बी पॉसिबल है, तो ऑर्डर इनके लिख लेते हैं। पहले का ऑर्डर होगा 2 क्रॉस 2, दूसरे का ऑर्डर होगा 2 क्रॉस 1। अब हम जैसा कि देखते हैं पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज इक्वल है, इसका मतलब हम यहाँ पे इस केस में ए बी आसानी से निकाल सकते हैं। अब ए बी निकालेंगे कैसे, तो तरीका क्या होता है ए बी निकालने का कि हम ए से रोज को सिलेक्ट करते हैं, ए से रो को सिलेक्ट करते हैं और बी के कॉलम में मल्टी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में मल्टीप्लाई करके ऐड करते जाते हैं। तो चलिए देखते हैं ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए बी इज इक्वल टू होगा यहाँ पे हमारे पास 1 2, हमारा क्या है ए का पहला रो है तो हमें यहाँ पे बी से कॉलम को निकालना है, तो कॉलम क्या है 1 और 5 है, तो क्या होगा 1 का मल्टीप्लाई 1 में करना है और 2 का मल्टीप्लाई 5 में करना है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई करना है, प्लस हो जाएगा 2 into 5 हो गया। चलिए अब हमारे पहले रो का पूरी कॉलम में मल्टीप्लिकेशन हो गया, जब तक पहले रो का सभी कॉलम में मल्टीप्लाई नहीं हो जाता है तब तक प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहता है। अब पहले रो का कॉलम में मल्टीप्लाई कंप्लीट हो गया, अब सिलेक्ट करेंगे दूसरे रो को, तो दूसरे रो में है 3 और 4, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे 1 और 5 में, तो क्या होगा 3 into 1 plus 4 into 5, अब ये क्या हो जाएगा 1 1 1 plus 2 5 10, तो 1 plus 10 आ गया, यहाँ पे आएगा 3 plus 20, तो आ गया ये हमारा ओवरऑल कैलकुलेशन, 1 plus 10 is 11 एंड 3 plus 20 is 23, तो ये हमारे ए बी का रिजल्ट आ गया, मल्टीप्लिकेशन ए बी का रिजल्ट आ गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग अपने अगले टॉपिक को डिस्कस करते हैं। जैसे कि हम लोग एनसीईआरटी पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं तो हमारे एनसीईआरटी पैटर्न में मल्टीप्लिकेशन के बाद जो टॉपिक है वो है हमारा, देख लेते हैं एक्सरसाइज पे चलते हैं। अब हम लोग डायरेक्टली चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 3.2 पे, तो चलिए देखते हैं।
ठीक है, चलिए देखते हैं। तो एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज 3.2 है उसमें क्वेश्चन नंबर 1 है कुछ इस तरीके से कि गिवन है a इज इक्वल टू 2432, b इज इक्वल टू गिवन है b इज इक्वल टू है 13-25, c इज इक्वल टू है -2534। ये हमें ए बी सी की वैल्यूज गिवन है। अब चलिए देखते हैं हम लोग, हमें फाइंड क्या करना है। हमें फाइंड करना है इसमें पहला पार्ट जो कैलकुलेशन करना है हमें, वो कैलकुलेशन करना है ए प्लस बी का कैलकुलेशन करना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे इसको हम थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं, बी की वैल्यू को। अगर क्लियर नहीं दिख रहा तो मैं थोड़ा सा इसको नीचे लिख लेता हूँ। बी है अपना, बी इज इक्वल टू है 13-25 है, और सी है -2534। ये हमारा सी का वैल्यू हो गया। ठीक है, तो पहले पार्ट में कैलकुलेशन क्या करना है, ए प्लस बी। चलिए देखते हैं कैसे कैलकुलेशन करते हैं। तो ए प्लस बी मीन्स मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स को ऐड करना है। तो ए प्लस बी क्या हो जाएगा, ए प्लस बी होगा 2432 प्लस बी क्या है 13-25। इन दोनों मैट्रिसेस के बीच में प्लस ऑपरेशन अप्लाई कर दिए। ठीक है, अब देखो इसके बाद क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करेंगे। तो 2+1 हो गया, अब 4+3, 3-2, 2+5। तो फाइनली कैलकुलेशन होके क्या आ गया, ये आ गया 2+1 3, 4+3 7, 3-2 1, 2+5 7। ये हमारे a प्लस बी का फाइनल कैलकुलेशन आ गया। ठीक है, तो क्या करना होता है, दो मैट्रिसेस के एडिशन प्रोसेस में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम लोग ऐड कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग आगे। हमारे पास अगला कैलकुलेशन है a माइनस बी कैलकुलेट करना है। सेम क्वेश्चन के लिए a माइनस बी कैलकुलेट करना है, जो कि है हमारा पार्ट नंबर सेकंड। ठीक है, तो कुछ नहीं, जहां पे हमने प्लस सिंबल अप्लाई किया उसी जगह क्या अप्लाई कर देंगे, माइनस सिंबल को अप्लाई कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी हमें निकालना रहेगा सेकंड पार्ट में। a माइनस बी हो जाएगा, यहाँ पे माइनस सिंबल अप्लाई कर दिए तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, 2-1 हो जाएगा। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे विथ साइन, 4 और 3 का सब्ट्रैक्शन कर लेंगे। ठीक है, 3 और -2 का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3-2। अब यहाँ पे क्या होगा, 2-5 हो जाएगा। ठीक है, अब 2-1 क्या होता है, 2-1 हो जाएगा अपना 1, 4-3 1, 3 अब ये माइनस प्लस हो जाएगा तो 3+2 हो जाएगा 5 इस प्लेस पे। अब 2-5 क्या हो जाएगा, -3 हो गया। तो ये हमारा आ गया a माइनस बी का रिजल्ट आ गया। अब चलिए देखते हैं अगले पार्ट में क्या करना है। अगले पार्ट में हमें कैलकुलेट करना है थ्री ए माइनस सी, जो कि हमारा थर्ड पार्ट है। कैलकुलेशन करना है 3a-c का कैलकुलेशन करना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं, आसानी है, ये भी कॉन्सेप्ट बेस्ड है बस। तो 3a के प्लेस पे क्या रख देंगे, ये वैल्यू रख दिए 2432, माइनस सी के प्लेस पे क्या रख दिए, -2533, और ये क्या है अपना
4 है, रख दिए वैल्यू, सिंपल सा वैल्यू रखे। अब 3 हमारे पास यहाँ पे क्या है, स्केलर मल्टीप्लायर है। 3A मीन्स मल्टीप्लाई मैट्रिक्स A बाई 3। तो जैसा कि हम लोग अपने थ्योरी पोर्शन में डिस्कस कर चुके हैं, अगर जो किसी स्केलर क्वांटिटी से किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है, वहाँ पे स्केलर क्वांटिटी का मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। तो 3 का क्या होगा, इस A की हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लिकेशन होगा। तो चलो देखते हैं, तो क्या हो जाएगा, 3 2 6, 3 4 12, 3 3 9, 3 2 6 हो गया, माइनस क्या होगा, -2 5 3 4। अब चलिए देखते हैं क्या आएगा, अब यहाँ पे क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का सब्ट्रैक्शन प्रोसेस होगा। तो 6 में से -2 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, ये +2 बन जाएगा, तो 6 से +2 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। अब 12 में -5 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 9 -3 करेंगे 6 हो जाएगा। 6 -4 करेंगे यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो अपने 3A-C की फाइनल कैलकुलेशन आ गई, ठीक है। If any doubts, then you can ask in comment section. Okay, चलिए अब अगला calculation क्या है देखते हैं। अगला calculation है value AB की निकालना, जो कि हमारा fourth part है। तो चलिए देखते हैं fourth part को कैसे calculate करते हैं। तो हमारे फोर्थ पार्ट में कैलकुलेशन क्या करना है, ए बी निकालना है। तो जैसा कि स्टूडेंट्स हम बता चुके हैं पहले भी कि ए बी को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले चेक करते हैं कि ए का नंबर ऑफ कॉलम बी के नंबर ऑफ रो के इक्वल होना चाहिए। तो चलिए ए का ऑर्डर क्या है, 2x2 है, बी का ऑर्डर क्या है, 2x2 ही है। तो इसका नंबर ऑफ कॉलम और इसके नंबर ऑफ रोज इक्वल है, मीन्स ए बी पॉसिबल है। जब पॉसिबल होएगा ए बी तभी आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज लिख देंगे नॉट पॉसिबल। क्वेश्चन आ सकते हैं ऐसे भी एग्जाम में कि जो मल्टीप्लिकेशन रूल को फॉलो ही नहीं करेंगे, उसकी जो एसेंशियल कंडीशन है कि नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रोज इक्वल होने चाहिए, उसको फॉलो ही नहीं करेंगे तो वहाँ पे लिख देंगे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल। फिलहाल इस क्वेश्चन में पॉसिबल मल्टीप्लिकेशन तो हम लोग मल्टीप्लाई करके यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है। तो ए बी निकालने के लिए क्या करेंगे, ए बी इज इक्वल टू लिख देंगे, ए के प्लेस पे वैल्यू रखने वाले हम लोग, ए के प्लेस पे क्या रखेंगे, 2 4 और 3 2 रख देंगे। बी के प्लेस पे क्या रखेंगे, 1 3 -2 5 रख दिए, ठीक है, ये हो गया अपना। अब चलिए ए के रो को सिलेक्ट करेंगे और बी के कॉलम में मल्टीप्लाई कर देंगे। चलो देखो, तो हो जाएगा ए का पहला रो उठा लो और इसको तब तक पकड़े रखो जब तक कि बी के कॉलम खत्म न हो जाए, तब तक मल्टीप्लाई करके ऐड करते रहो, ठीक है। तो ए का 2 4 सिलेक्ट किए, तो 2 का मल्टीप्लाई 1 में हो गया, 2 × 1, और 4 का मल्टीप्लाई -2 में हो गया, ठीक है। अब आगे क्या होगा, 2 4 को आगे मल्टीप्लाई करेंगे 3 में और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 में, ठीक है। अब आगे देखो, 3 2 को उठाएंगे और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 3 × 1 + 2 × -2। अब 3 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 × 3 + 2 × 5, ये हो गया। तो चलो देखते हैं आगे कैलकुलेशन करते हैं, 2 1 = 2 4 2 - 8, 2 3 = 6, 4 5 = 20, 3 1 = 3, 2 2 - 4, 3 3 = 9, 2 5 = 10। तो ए बी इतना आ गया। चलो और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ए बी फाइनली आ जाएगा, ए बी इक्वल टू आ जाएगा अपना
2 माइनस 8 माइनस 6 होगा, 6 प्लस 20 26 होगा, 3 माइनस 4 माइनस 1 होगा, 9 प्लस 10 19 हो गया। तो ये अपने ए बी का फाइनल आंसर आ गया इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो क्या करना होता है मल्टीप्लिकेशन में, सबसे पहले चेक करते हैं कि पहला जो हमारा है मैट्रिक्स है उसका कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो आपस में इक्वल होना चाहिए, तभी मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं, नहीं तो वहीं पे लिख देंगे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं स्टूडेंट्स। अब हम अपने एक्सरसाइज नंबर 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 सेलेक्ट करेंगे। इसमें एक पार्ट और दिया गया, पार्ट नंबर 5। आप पार्ट नंबर 5 को इजीली, वहाँ पे बी ए निकालना है तो उसको भी सेम एज ए बी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। तो क्वेश्चन नंबर 2 में है, हमें क्या करना है, कंप्यूट फॉलोइंग लिखा है। कंप्यूट फॉलोइंग मींस हमें कुछ इस क्वेश्चन के अंडर में पार्ट गिवेन है, उन पार्ट्स को क्या करना है, कैलकुलेट करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो पहला पार्ट है उसमें मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं ए बी माइनस बी ए प्लस ए बी बी ए, ये हमारे क्या हो गए, मैट्रिक्स हो गए। अब देखिए इन दोनों मैट्रिक्स के बीच में एक प्लस सिंबल लगा है, इसका मतलब दोनों मैट्रिक्स को हमें क्या करना है, प्लस करना है। तो क्या करते हैं, प्लस के लिए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर लेते हैं। तो बी ए प्लस ए हो गया, बी प्लस पी हो गया, माइनस बी प्लस बी, ए प्लस ए, तो क्या आ गया, ए प्लस ए टू ए, बी प्लस बी टू बी, माइनस बी प्लस बी जीरो, ए प्लस ए टू ए हो गया, ये आ गया। अब चाहे तो इसमें से हम लोग हर एक एलिमेंट में टू कॉमन कर सकते हैं, तो आ जाएगा ये इज इक्वल टू, टू कॉमन कर लिए तो ए बी जीरो ए, ये हमारे फर्स्ट पार्ट का फाइनल सिंप्लीफिकेशन हुआ। ठीक है, अब चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे, देखो क्या है पार्ट नंबर सेकेंड। अब हम पार्ट नंबर 4 को सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, 2, 3 सिंपली ऐसे कर सकते हैं, नो डाउट। हमारा पार्ट नंबर 4 है, पार्ट नंबर 4 में है कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स है, और दूसरा एलिमेंट है साइन स्क्वायर एक्स है, और उसके बाद क्या है, साइन स्क्वायर एक्स है और कॉस स्क्वायर एक्स, ओके, और बीच में प्लस का सिंबल अप्लाई किया गया है। उसके बाद है साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ है कॉस स्क्वायर एक्स है, और यहाँ पे भी कॉस स्क्वायर एक्स है, और यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करना है, तो इसका भी रूल क्या है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर लो, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स हो गया, ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस
कॉस स्क्वायर एक्स हो गया, ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स हो गया, ये कॉस स्क्वायर एक्स प्लस अब देखो इसके बाद स्टूडेंट ये ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला बन गया क्या साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है वन होता है तो आ गए ये सिंप्लीफाई होके वन 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 एंड वन ये हमारे पार्ट नंबर फोर का सिंप्लीफिकेशन हुआ क्यों हुआ ऐसा क्योंकि फार्मूला होता है क्या साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू वन ठीक है तो ये आ गया अपना अब देखो आगे बढ़ेंगे हम अब हम आएंगे अपने क्वेश्चन नंबर थ्री पे जिसमें हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लिकेशन वाले कुछ प्रॉब्लम्स को लगाने वाले हैं ठीक है मल्टीप्लिकेशन के प्रॉब्लम्स को सीखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर थ्री में तो चलिए देखते हैं तो यहाँ पे स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर थ्री है हमारा कंप्यूट द इंडिकेटेड प्रोडक्ट है पहला पार्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर थ्री का पहला पार्ट है ऐसे गिवन है ए बी माइनस बी ए ये हो गया उसके बाद है ए माइनस बी और बी ए है इस तरीके से गिवन है इसको हमें कंप्यूट या सिंप्लीफाई करना है तो इसको कंप्यूट या सिंप्लीफाई का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे हमें दो मैट्रिसेज हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आया उस रिजल्ट को दिखाना है ठीक है तो चलो हमने मल्टीप्लिकेशन का तरीका थ्योरी में भी पढ़ा है और हमने इसके क्वेश्चन नंबर वन में भी डिस्कशन किया है ठीक है तो क्या करते हैं पहले वाले मैट्रिक्स का रो पकड़ लेते हैं और दूसरे के कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में मल्टीप्लाई करके प्लस करते जाते हैं ठीक है तो चलो इसके रो को पकड़ो और इसमें ऐसे चलो ठीक है तो क्या हो जाएगा ये अपना ए का ए में मल्टीप्लाई होगा प्लस बी का बी में मल्टीप्लाई हो गया आगे बढ़े फिर ए का माइनस बी में मल्टीप्लाई होगा प्लस बी का ए में मल्टीप्लाई हो गया ठीक है अब देखो पहली रो का सभी कॉलम में मल्टीप्लाई हो गया अब दूसरी रो को सिलेक्ट करो तो माइनस बी का ए में मल्टीप्लाई होगा और ए का बी में मल्टीप्लाई हो गया अब उसके बाद माइनस बी का माइनस बी में मल्टीप्लाई होगा और ए का ए में मल्टीप्लाई हो गया ठीक है आगे बढ़ते हैं तो ए का हम ए में मल्टीप्लाई होके ए स्क्वायर बी का बी में बी स्क्वायर ये क्या हो गया माइनस ए बी और ये क्या हो गया प्लस बी ए हो गया यहाँ पे क्या आएगा माइनस बी ए प्लस ए बी यहाँ पे क्या आएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो गया चलो आगे बढ़ते हैं क्या सिंप्लीफाई हो सकता है हाँ हो सकता है अभी सिंप्लीफाई क्यों क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे प्लस ए बी माइनस ए बी कैंसिल होके बनाएंगे जीरो तो और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ पे जीरो आएगा यहाँ पे जीरो आएगा यहाँ पे बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को लिख लेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब क्या आप और सिंप्लीफाई कर सकते हैं यहाँ और सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्यों क्योंकि हम सभी एलिमेंट से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन कर सकते हैं तो ये हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन कर लिए तो आ गया ये अपना फाइनली वन जीरो जीरो वन ये हमारा फाइनली आंसर आ गया पार्ट नंबर वन का ठीक है आप ध्यान से देख सकते हैं इसको कि क्या किया गया है पहले
मैट्रिक्स के रो और दूसरे के कॉलम में मल्टीप्लाई करो और इसके बाद सम करो, सिंप्लीफाई करो, फिर जो कॉमन हो उसको कॉमन कर लेते हैं, वही हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट को सिलेक्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट देखते हैं, है हमारा ये है 1 2 3 और दूसरे मैट्रिक्स में है 2 3 4 है, दूसरा हमारा क्या है 2 3 4 ऐसे लिखा हुआ है। तो पहला मैट्रिक्स हमारा कौन सा मैट्रिक्स है? कॉलम मैट्रिक्स से, क्योंकि इसमें एक ही कॉलम है। दूसरा मैट्रिक्स हमारा रो मैट्रिक्स से, क्योंकि इसमें एक ही रो है। तो स्टूडेंट्स, हमने सबसे पहले देखा है मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई के पहले क्या वो एक दूसरे के मल्टीप्लिकेशन को पॉसिबल कर पा रहे हैं। तो इसका आर्डर क्या है? इसका आर्डर है 3x1। इसका आर्डर क्या है? 1x3। तो पहले का कॉलम दूसरे का रो इक्वल है, मतलब पॉसिबल है मल्टीप्लिकेशन। तो चलो वही अपने रूल को अप्लाई करते हैं मल्टीप्लाई करने के लिए कि इसके रो को और इसके कॉलम को सिलेक्ट करो। तो इसके पहले रो में 1 से 2 से मल्टीप्लाई होगा, फिर 1 से 3 में, फिर 1 से 4 में मल्टीप्लाई हो गया, फिर 2 को सिलेक्ट करो, 2 का 2 में, 2 का 3 में, 2 का 4 में मल्टीप्लाई कर लिए, फिर 3 का 2 में, 3 का 3 में, 3 का 4 में मल्टीप्लाई कर लिए। चलिए देखते हैं क्या आता है सिंप्लीफिकेशन। 2 1 जा 2 आ गया, 3 1 जा 3, 4 1 जा 4, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 2 4 जा 8, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 10। ये हमारा फाइनल क्या हो गया? आंसर हो गया इस पर्टिकुलर मल्टीप्लिकेशन का। ठीक है, इसमें सिंपल से रूल को इसमें भी फॉलो किया गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले पार्ट्स को हम लोग। तो स्टूडेंट्स, इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 के सभी पार्ट को आप बहुत इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर जो आपको कोई डाउट्स होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बहुत विदाउट हेजिटेशन पूछ सकते हैं, आई विल बी हैप्पी फॉर हेल्प यू। ओके, नाउ चलिए हम लोग अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं बच्चों। तो अपने क्वेश्चन नंबर 4 में है क्या गिवन है? ए इज इक्वल टू है 1 2 -3 5 0 2 1 -1 1, ये है। और बी इज इक्वल टू है 3 -1 2 4 2 5 2 0 3। ठीक है, और c इज इक्वल टू है
चलिए थोड़ा सा सही नहीं दिख रहा तो मैं इसको थोड़ा सा नीचे लिख लेता हूँ। बी इक्वल टू है थ्री माइनस वन टू फोर टू फाइव टू जीरो थ्री है और सी इक्वल टू है फोर वन टू जीरो थ्री टू वन माइनस टू थ्री। ये अपने सी की वैल्यू हो गई। ठीक है, तो पहले कंप्यूट हमें करना है ए प्लस बी निकालना है और बी माइनस सी निकालना है, जो कि बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। हम इसके दूसरे वेरिफिकेशन की तरफ चलते हैं, जो कि हमें करना है, हमें वेरीफाई करना है हमें ए प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू दिखाना है ए प्लस बी एक ब्रैकेट में करके माइनस सी कर देना है। ठीक है, तो हमें ये वेरिफिकेशन करना है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो चलो अब हम देखते हैं अपने LHS और RHS दोनों को देखते हैं। LHS में अगर जो देखेंगे तो जैसा कि हमने बोडमास रूल पढ़ा है कि बोडमास रूल हमें यही बताता है कि सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करते हैं, फिर उसके बाद अदर ऑपरेशन को देखते हैं। ठीक है, तो LHS में देखते हैं बच्चों, तो क्या है हमारे पास b माइनस सी एक ब्रैकेट में है। ठीक है, तो हमारा पहला काम क्या होता है, b माइनस सी की वैल्यू को निकालना। ठीक है, तो चलिए b माइनस सी हम कैलकुलेट करते हैं। क्या आ जाएगा, b माइनस सी मीन्स b में से c को माइनस कर दो, तो 3 में से 4 माइनस होगा तो आएगा क्या, 3 माइनस 4 हो गया यहाँ पे, और उसके बाद माइनस 1 में से 1 को माइनस कर दो तो आएगा, फिर 2 में से 2 को माइनस कर दो बच्चों तो आ गया इतना, फिर 4 में से 0 को माइनस कर दो, 2 में से 3 को माइनस कर दो, 5 में से 2 को माइनस कर दो, 2 में से 1 को माइनस कर दिए, 0 से माइनस 2 को माइनस कर दिए और 3 से 3 को माइनस कर दिए तो आ गया अपने पास b माइनस सी, 3 माइनस 4 माइनस 1, माइनस 1 माइनस 2, 2 माइनस 2 0, 4 माइनस 0 4, 2 माइनस 3 माइनस 1, 5 माइनस 2 3, 2 माइनस 1 1, माइनस माइनस 2 प्लस 2 हो गया, 3 माइनस 3 हो गया 0। तो ये किसकी वैल्यू आ गई बच्चों, b माइनस सी की वैल्यू आ गई। अब हमें LHS में क्या निकालना है, a प्लस b माइनस सी निकालना है। तो चलो देखते हैं, तो a प्लस b माइनस सी कैसे निकालेंगे, इसका मतलब ये हो गया कि b माइनस सी का जो रिजल्ट है उसको a में ऐड कर दो तो क्या आ जाएगा, चलो देखते हैं, आएगा b माइनस सी में माइनस 1 है इसको a में, तो माइनस 1 प्लस 1 मिलकर क्या हो गया यहाँ पे 0, 2 और माइनस 2 मिलकर क्या हो गया 0, माइनस 3 और 0 मिलकर क्या हो गया माइनस 3 हो गया। ठीक है, अब 5 और 4 मिलकर क्या हो गया 9, 0 और माइनस 1 मिलकर माइनस 1 हो गया, 2 और 3 मिलकर क्या हो गया 5, अब 1 और 1 मिलकर क्या हो गया 2, माइनस 1 और 2 मिलकर 1 हो गया, 1 और 0 मिलकर क्या हो गया 1। तो ये हमारे LHS का रिजल्ट आया। अब हमें क्या निकालना है, RHS का रिजल्ट निकालना है। ठीक है, तो अपने RHS में क्या है, a प्लस बी ब्रैकेट में है, तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे a प्लस बी की वैल्यू। चलो a और b को प्लस करो तो 1 और 3 मिलके क्या हो जाएंगे 4, 2 और माइनस 1 मिलके क्या हो जाएंगे 1, माइनस 3 और 2 मिलके क्या हो जाएंगे माइनस 1, 5 और 4 मिलके क्या हो जाएंगे 9, 0 और 2 मिलके क्या हो जाएंगे 2, 2 और 5 मिलके क्या हो जाएंगे 7, 1 और 2 मिलके क्या हो जाएंगे 3, माइनस 1 और 0 मिलके क्या हो जाएंगे माइनस 1, 1 और 3 मिलके क्या हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। ठीक है, अब ये तो a प्लस बी की वैल्यू आ गई। अब चलो हमें क्या निकालना है, a प्लस बी माइनस सी निकालना है, मतलब जो हमारा a प्लस बी आया है उसमें से c को क्या करो माइनस कर दो। तो
तो 4 में से 4 माइनस होगा क्या आएगा 0, 1 में से 1 माइनस होगा क्या आएगा 0, माइनस 1 में से 2 माइनस होगा माइनस 3 आएगा, 9 में से 0 माइनस होगा 9, 2 में से 3 माइनस होगा माइनस 1, और आपका 7 में से 2 माइनस होगा 5, 9 में से 1 माइनस होगा 2, माइनस 1 में से माइनस 2 माइनस होगा प्लस 1 आएगा, 4 में से 3 जाएगा 1 आएगा। अब बच्चों देखो, हमारे पास LHS में जो A प्लस B माइनस C आया है, वही RHS में A प्लस B माइनस C की वैल्यू आया है, तो इन दोनों रिजल्ट के LHS को कंपेयर करते हैं तो इक्वल हैं, इसका मतलब इनके RHS वैल्यूज इक्वल है, तो LHS वैल्यूज भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। मतलब क्या हो गया, A प्लस ब्रेकेट में बी माइनस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी ब्रेकेट में माइनस सी। तो क्या हो गया, ये क्वेश्चन अपना वेरीफाई हो गया, वेरीफाइड। ठीक है, तो बच्चों इस प्रकार से मैंने इस क्वेश्चन का वेरिफिकेशन किया। ठीक है, और इसमें केवल क्या किया गया है, सिंपल से बोडमास रूल को और मैट्रिक्स एडिशन सब्ट्रैक्शन के रूल को फॉलो करते हुए कैलकुलेशन किया गया है। ठीक है, चलिए ठीक है। अब बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं और उसको कैलकुलेट करके देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट्स, ए इज इक्वल टू हमें गिवन है, ए इज इक्वल टू गिवन है 2 by 3, 1 by 3, 1 by 3, 2 by 3, 4 by 3, 7 by 3, 2 और 2 by 3 गिवन है। ठीक है, ये हो गया ए की वैल्यू। अब हमें बी की वैल्यू क्या गिवन है, बी की वैल्यू गिवन है हमें, बी की वैल्यू गिवन है 2 by 5, 3 by 5, 1, 1 by 5, 2 by 5, 4 by 5, 7 by 5, 6 by 5 और 2 by 5 गिवन है, ये हमें वैल्यूज गिवन है। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, तो हमें कंप्यूट करना है, कंप्यूट 3a माइनस 5b। ठीक है, तो चलो देखते हैं बच्चों हम लोग 3a माइनस 5b का मतलब क्या है। अब 3a का मतलब क्या है, a के हर एक एलिमेंट में 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो चलो देखते हैं, a के हर एक एलिमेंट में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसमें 3 से करेंगे तो ये 3 कट जाएगा तो 2 आएगा, इसमें 3 बन जा 3, यहाँ पे 3 कैंसिल तो 5 आ गया, इसमें 1 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, इसमें 7, इसमें 6, इसमें 2। ठीक है, अब 5b का मतलब b के हर एक एलिमेंट में 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस क्या हो जाएगा 2, 3, 5, 1, 2, 4, 7, 6, 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन दोनों का माइनस कर देते हैं, तो फाइनली देखते हैं क्या आ जाता है अपने पास, आ जाएगा, फाइनली आएगा ये 2 में से 2 जाएगा तो 0 आ जाएगा, 3 में से 3 माइनस होगा तो 0 आ गया, 5 में से 5 माइनस होगा तो 0 आ गया, 1 में से 1, 2 में से 2 0, 4 में से 4 0, 7 में से 7 0, 6 में से 6 0,
टू में से टू जीरो, तो ये कुल मिला के सारे एलिमेंट्स रिजल्ट के आगे क्या आ गए, जीरो। मीन हमारा जो फाइनल आंसर आ रहा है वो एक जीरो मैट्रिक्स आ रहा है। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर फाइव का कैलकुलेशन हो गया, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार हमने क्या किया, अपने क्वेश्चन नंबर फाइव को आसानी से कैलकुलेट किया और हमने इस प्रकार एक्सरसाइज 3.2 को क्वेश्चन नंबर फाइव तक डिस्कस किया। और नेक्स्ट लेक्चर में हम आपसे मिलेंगे और उसमें हम लोग जो हमारा क्वेश्चन नंबर फाइव है, इस क्वेश्चन नंबर फाइव के आगे के क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। तब तक आप अपनी तरफ से भी अगले क्वेश्चंस को ट्राई कर सकते हैं। अगर जो आपको नहीं आता है तो आप हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में ज्वाइन होकर के उन क्वेश्चन को आसानी से डाउट क्लियर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके।